पब्लिक टीवी आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कुछ ऐसे विभीषण हैं जो भाजपा की नैया को विधानसभा स्तर पर नुकसान पहुंचा सकते हैं। हालांकि उन विभीषणों की जानकारी करना भाजपा के नेतृत्व की जरूरत है, लेकिन वो जानकर अनजान क्यों बन रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव का बिगुल है। ऐसे में भाजपा ने भी अपने सिपाहियों पर भरोसा जताते हुए चुनाव मैदान को फतह करने के लिए जनता के बीच भेज दिया है। भाजपा के सिपाही भले ही जनता के बीच जाकर मोदी और योगी सरकार की योजनाओं और अपने चेहरे के बल पर जनता से वोट मांग रहे हों, जनता का समर्थन कैसा मिल रहा है उसे ये सिपाही भी जानते हैं। लेकिन इस बीच खतरे की घंटी ये है कि इस समर में जो विभीषण सिपाहियों के साथ मिलकर अपनी दो धारी तलवार को चलाने का काम कर रहे हैं, वो भाजपा के सिपाहियों को नुकसान न पहुंचा दे। हालांकि ये चुनावी समर है और ऐसे में सभी को साथ लेकर चलना सिपाहियों की भी मजबूरी बनी हुई है। लेकिन यदि इस बार इन सभी की रणनीति को भाजपा के सिपहसालार नहीं समझ पाए तो फिर ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसी बात होगी। दरअसल इन विभीषणों का काम करने का अंदाज भी कुछ निराला है। जब इन्हें लगता है कि मैदान में उतरे सिपाही के लिए जीत का घर ये है, तो वहीं पर वो अपनी दोधारी तलवार को निकाल कर चलाने का काम करते हैं और तन मन से काम करने वाले साथियों के बीच गलत फहमी का बिगुल बजाकर उसे अपने सिपाही से दूर कर दिया जा रहा है। अब ऐसे में बड़ी चुनौती इन सिपाहियों के सामने ये है कि आखिर इन विभीषणों की पहचान कैसे की जाए। तो हम आपको जल्द ही विभीषणों के चेहरे को भी सभी के सामने लेकर आएंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।